तो भाई लोग मिर्जापुर सीजन 3 को 5 तारीख को अमेजोन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया था। तो भाई लोग मैंने अभी ये सीरीज पूरा देखकर खत्म किया है और भाई साहब क्या ही कहूँ इस सीरीज के बारे में। इसको देखने पर ऐसा लगता है कि भाई क्यों ही बनाए हो बे इसको, पूरा मूड खराब कर दिया भाई। स्टोरी की बात करें तो भाई मुन्ना के मरने के बाद और कालिन भैया के मरने के बाद, हालांकि कालिन भैया अभी मरे नहीं है और ये बात गुड्डू को भी पता है, तो ये सब होने के बाद अब मिर्जापुर में गुड्डू भैया का राज है और वो इस मिर्जापुर की गद्दी का हकदार है क्योंकि उसने मुन्ना और कालिन भैया को मारा है। लेकिन वही दूसरे तरफ शरद अपने आप को मिर्जापुर की गद्दी का हकदार बता रहा है। तो भाई इन्हीं सभी चीजों के आसपास हमें इसकी स्टोरी देखने को मिलता है और इन्हीं सभी चीजों के आसपास जो भौकाल चलता रहता है वही हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। इस सीरीज को देखते टाइम सही बताऊं तो भाई मुन्ना भैया का बहुत ज्यादा याद आ रहा था, यानी कि उनका स्वैग, उनका गाली देने का तरीका, उनका बकचोदी, भाई ये सब इस सीरीज में आपको मिसिंग फील होता है क्योंकि भाई मुन्ना भैया का जलवा ही अलग था। और एक तरफ इधर गुड्डू पूरा बौरा गया है, गुड्डू का यूएसपी उसका वायलेंस है और इस सीरीज में वो वायलेंस करते हुए दिखाई भी देता है, पर पहले सीजन और दूसरे सीजन के मुताबिक कम ही है। अब भाई हमें तो पहले से ही पता है कि भाई गुड्डू तो सिर्फ बल का ही उपयोग करता है, तो इस सीजन में गोलू गुड्डू भैया की बुद्धि बनती हुई नजर आती है। आई मीन कहने का मतलब ये है कि गोलू इस सीरीज में हमें दिमाग और सूझबूझ से काम करती हुई नजर आती है, फिर भी भाई शत्रुघ्न के हाथों पिला जाती है। बाकी भाई ये वाला सीजन उतना मजा प्रोवाइड नहीं कर पाता है जितना कि इसके पिछले दोनों सीजन ने किया था। इस सीरीज में एक शायरी वाला बंदा भी है जिसका शायरी सुनने के बाद भाई आपको भी शायरी से प्यार हो जाएगा और इसके शायरी सुनने के बाद आपके चेहरे पर हंसी जरूर आएगी। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो भाई इस सीरीज के सभी स्टार कास्ट ने काफी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर आपको निराश करते हुए भी दिखाई देते हैं। इस वाले सीजन में हमें उतना ज्यादा वायलेंस और न्यूडिटी वाले सीन ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो भाई अगर आप थोड़े ठरकी किस्म के इंसान है तो भाई आपको इस मामले में ये सीरीज थोड़ा निराश जरूर कर सकती है। सीरीज में कालिन भैया का हमें ज्यादा सीन देखने को नहीं मिलता है, पर भाई सही बताओ तो जितना भी हमें कालिन भैया का सीन देखने को मिलता है वो सभी सीन काफी बवाल थे। सीरीज में कुछ कुछ डायलॉग काफी अच्छे है तो वही कुछ कुछ काम चलाव ही है। इसके पहले वाले सीजन में हमें इतना ज्यादा मजा प्रोवाइड किया जाता था कि हम लोग उसके अगले एपिसोड के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे, पर भाई इस वाले सीजन में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कुछ कुछ एपिसोड अच्छा है जिसे देखने में मजा आता है, लेकिन वो मजा बस थोड़ी देर के लिए ही है। इस वाले सीजन में हमें दो क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, एक मिड क्रेडिट सीन तो वही दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन, जिससे ये पता चलता है कि आगे इसके और भी सीजन आने वाले हैं, जिसके लिए भाई मैं तो उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। अगर इस सीरीज को इसी तीसरे सीजन में खत्म कर दिए होते तो अच्छा रहता। बाकी इस तीसरे सीजन में भी हमें 10 एपिसोड देखने को मिलता है जो लगभग एक एक घंटे का है, तो भाई मुझे इस सीरीज को खत्म करने में लगभग 8 घंटे लगे। तो भाई सही बताओ तो मुझे ये सीरीज इसके पिछले दोनों सीजन के मुकाबले में एवरेज लगा। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।